Hello and welcome to PrepIS. My name is Tushant Yadav and today we are going to understand the concept of GDP at market price and GDP at factor cost. दोनों के बीच में difference क्या होता है ये भी आज हम समझेंगे इस छोटी सी वीडियो में. तो ये दोनों concept बहुत अच्छे concept हैं और बहुत ही simple concept है actually. इस concept को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि market price और factor cost होता क्या है. तो GDP at market price and GDP at factor cost अपने आप समझ में आ जाएगा. तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये समझने की जरूरत है. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए ये कंपनी है जिस कंपनी का नाम है लेट से तुषांत यादव कंपनी. और ये कंपनी करती क्या है, ये पार्ले जी बनाती है. जी फॉर जीनियस, आप जैसे जीनियस लोगों के लिए जीनियस बिस्किट बनाती है. अच्छा भाई, ये जीनियस बिस्किट का एक पैकेट बनाने में कुछ लागत लगती होगी, कुछ कॉस्ट आती होगी. लेट से वो 8 रुपए उसको बनाने की लागत है, 8 रुपीज जो है उसको बनाने की लागत आ गई. और मैंने सोचा कि हर एक पैकेट में कुछ तो प्रॉफिट रखूं मैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं हर एक पैकेट में 2 रुपए का प्रॉफिट रखता हूं. यानी अब इस पैकेट की कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपीज हो गई. यानी जब ये एक बिस्किट का पैकेट मेरी इस कंपनी यानी एक इस फैक्ट्री के बाहर निकलेगा, ये बनाने वाली जो फैक्ट्री है इसके बाहर निकलेगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसकी कॉस्ट होगी 10 रुपीज कॉस्ट होगी. लेकिन फैक्ट्री के बाहर तो कंज्यूमर मिलेंगे नहीं मुझे, जहां पर मैं उनको बेच सकूं. कंज्यूमर कहां पर मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे. तो इस सामान को, इस पैकेट को मुझे जो 10 रुपए का है उसको मुझे अब मार्केट ले जाना है. समझते हैं इस चीज को. अच्छा भाई, मैं मार्केट ले जाऊंगा तो मार्केट ले जाने के लिए मैं गवर्नमेंट की बनाई हुई रोड का यूज करूंगा. तो गवर्नमेंट कहेगी आप रोड यूज कर रहे हैं तो टैक्स पे कीजिए. तो मैंने कहा कि ठीक है सर, गवर्नमेंट कह रही है टैक्स पे करने के लिए तो पे करना पड़ेगा. तो 10 रुपए का जो पैकेट था, गवर्नमेंट ने कहा कि हर एक पैकेट पर हम 2 रुपए का टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर. मैंने कहा ठीक है सर, अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 12 रुपए हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई. लेकिन गवर्नमेंट ने साथ में यह भी कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ये जीनियस लोगों के लिए आपने जो पार्ले जी बिस्किट बनाया है ये हेल्दी भी है, और हेल्दी है तो हम चाहते हैं कि इसका लोग कंजम्पशन ज्यादा करें, तो हम इस पर आपको छूट देना चाहते हैं, सब्सिडी देना चाहते हैं. मैंने कहा ठीक है सर, सब्सिडी आप दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि हर एक पैकेट पर हम 1 रुपए की सब्सिडी देंगे, यानी छूट देंगे. यानी 1 रुपए माइनस करता हूं, अब ये कितने का हो गया, ये 11 रुपए का हो गया. 11 रुपए कहां पर मिलेगा, मार्केट में. ये जो एक पैकेट है पार्ले जी का वो 11 रुपए का मिलेगा. वहां से कंज्यूमर आएगा मार्केट से 11 रुपए का परचेस करेगा. तो कंज्यूमर जब 11 रुपए का परचेस करेगा तो मार्केट में परचेस कर रहा है, तो 11 रुपए है क्या एक्चुअली, 11 रुपए है मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट में ये प्राइस में मिल रहा है आपको सामान. दिस 11 रुपीज इज मार्केट प्राइस. लेकिन ये जो 10 रुपए क्या था, 10 रुपए जो फैक्ट्री के बाहर जब आपने निकाला, फैक्ट्री के जस्ट बाहर जब आपने टैक्स और सब्सिडी इंक्लूड नहीं की थी, तब कितनी कॉस्ट थी, तब वो जितनी कॉस्ट थी उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट, बात समझ में आई. फैक्ट्री के बाहर निकला जस्ट, कितनी कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट. तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में लिखूं, फैक्टर कॉस्ट में अगर आप गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्सेस को ऐड कर दें, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे बाय डिफॉल्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, और उसमें सब्सिडी को अगर मैं माइनस कर दूं, सब्सिडी को अगर मैं माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मार्केट प्राइस मिल जाएगा. कुछ लोग इसको फॉर्मूला बना के समझाते हैं, मैंने आपको सिंपल रैशनैलिटी से एग्जांपल से समझा दिया. तो फैक्टर कॉस्ट में आप जब भी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करोगे और सब्सिडी को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा मार्केट प्राइस, आपको मिलेगा मार्केट प्राइस. इसी को हम, ये जो दोनों मिलाकर हम कभी कभी इसी चीज को हम बोल देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो अगर मैं आपको इसी फॉर्मूला को रीडिजाइन करके लिखूं तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस. ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई. तो आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, जीडीपी क्या होता था, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जितने भी टोटल वैल्यू निकाल लूं, एक साल में वो जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो क्या था, इंडिया की जीडीपी था. अच्छा भाई, यानी जीडीपी है क्या, बेसिकली द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट नेशन इन वन ईयर इज नोन एज जीडीपी ऑफ दैट नेशन. अच्छा, तो गुड्स एंड सर्विसेज की आप वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हो, तो गुड्स एंड सर्विसेज की आप वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हो. मान लीजिए कोई गुड है, मान लीजिए वीट है, वीट की क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है 100 kg, और वीट का जो प्राइस है वो है लेट्स से 20 रुपीज. तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई 2000 रुपीज, वैल्यू हो गई 2000 रुपीज. ऐसे ही तो आप क्या करोगे, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सबकी वैल्यू निकालोगे और सभी वैल्यूज को जोड़ दोगे तो जीडीपी आपकी आ जाएगी. अच्छी बात है सर, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो प्राइस आपने देखा, ये प्राइस आपने कौन सा वाला प्राइस लिया है, अगर आपने फैक्ट्री से जस्ट बाहर निकला है और आपने फैक्टर कॉस्ट लिया है
तो ये जो जीडीपी आप निकालोगे वो जीडीपी क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट जीडीपी होगी। लेकिन अगर आपने प्राइस मार्केट प्राइस लिया है तो ये जीडीपी कैसी होगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगी। समझ गए इस चीज को? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है क्या? जब आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो कौन सा प्राइस आपने लिया था, फैक्टर कॉस्ट लिया था या मार्केट प्राइस लिया था, उसी हिसाब से आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा और जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अगर दोनों के बीच में फॉर्मूला अगर कुछ डिजाइन करें तो क्या होगा, जीडीपी जो आप फैक्टर कॉस्ट पर निकाल रहे हो उसमें अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आपको आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको निकल के आ जाएगा। जो मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट वाला फॉर्मूला समझाया वही सेम फॉर्मूला यहां पर बैठ जाएगा। समझ गए इस चीज को? दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अब बैठ जाने चाहिए और आप इस कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।